गो। भारत बड़ा आश्चर्य है कि ड्राउट और फ्लड दोनों साथ साथ आ रहा है। यदि हम इस वर्षा के पानी को समुद्र में जाने से रोक लेते, समुद्र का भी पानी पर हक है, थोड़ा बहुत तो समुद्र में जाता ही, लेकिन यदि ये पानी ऊपर से ही जहां बरसता है वहीं से रोक कर पकड़ कर जो फ्लो है उसको स्लो कर दें तो इरोजन और सिल्टिंग दोनों प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। और जो अंडरग्राउंड एक्वीफर में पानी जहां जहां जा सकता है, सब जगह तो नहीं जा सकता, लेकिन जहां जहां जा सकता है वहां अंडरग्राउंड एक्वीफर में डाल दें तो फिर इस तरह का फ्लड नहीं आए। ये फ्लड इसलिए आता है कि हमारा जो फ्लो है वो फ्लश फ्लो हो गया, फ्लश की तरह बहता है, जैसे फ्लश बहता हो। तो जब फ्लो फ्लश करने लगता है, बहने लगता है, तब इरोजन भी होता है, सिल्टिंग भी होता है, गांव भी डूबते हैं, शहर भी डूबते हैं। इसलिए भारत को यदि ड्राउट और फ्लड फ्री बनने का प्लान नहीं बनाया तो भारत एक तरह से इस आने वाले डिजास्टर का शिकार होगा, जैसा अभी हुआ। अभी तक ड्राउट था, सब तरह पानी की हाहाकार मची थी, अभी पानी आ गया तो बाढ़ की हाहाकार मच गई है। सारा पानी कृष्णा का और बहुत सारी नदियों का जा रहा है, काटता हुआ, इरोजन करता हुआ, लोगों को डुबाता हुआ। इसलिए मेरा कहना यह है कि अभी भी भारत को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर केवल बात करने से, पानी देने से नहीं, जितना पानी अभी समुद्र में गया इतना पानी तो हम 2 साल इससे अपना जीवन चला सकते थे यदि ठीक से अनुशासित होके हम उसका उपयोग करते। तो ये जो पानी समुद्र में जा रहा है, समुद्र का हक पूरा करते हुए, समुद्र को भी थोड़ा पानी देते हुए, हम इस पानी का विकेंद्रित सामुदायिक प्रबंधन करें, तभी भारत बाढ़ और सुखाड़ मुक्त बन सकता है। यदि भारत ने अभी अपने को ड्राउट और फ्लड फ्री बनाने का प्लान नहीं किया तो भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं है। यदि भारत को हम शांति में सुखी समृद्ध और जगत गुरु बनाने के सपने देखने की बात करते हैं तो हमें पानीदार बनने से ही ये सब होगा, और पानीदार बनने के लिए भारत के फ्लो को स्लो करना होगा। ठीक है। थैंक यू।